नंबर एक, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन से जुड़ी समस्या पैदा हो जाती है। नंबर दो, ज़्यादा चाय का सेवन करने से दांत में एनामेल की बुरा असर पड़ता है और दांत पीले हो जाते हैं। नंबर तीन, रोज़ाना कंघी करने से बाल मजबूत होता है और घने हो जाते हैं। नंबर चार, एक चम्मच दालचीनी का प्रयोग दिन में किसी भी वक्त सेवन करने से बीमारी से बचे रहते हैं। नंबर पाँच, आधे सिर दर्द की समस्या रहती है तो अंगूर के रस का सेवन ज़रूर करें। नंबर छः, रात और दोपहर के समय एक कली लहसुन की और एक गिलास गुनगुना गर्म पानी के साथ लें, आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। नंबर सात, सफ़ेद चने खाने से शुगर जैसी समस्या नहीं होती है। नंबर आठ, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दांत में दर्द होने लगता है और बाल झड़ना शुरू हो जाता है। नंबर नौ, काली मिर्च को पानी के साथ चबा चबा कर खाने से आंखों की रोशनी तेज़ होती है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नंबर दस, शरीर पर तुलसी के पत्ते मल लेने से शरीर के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। नंबर ग्यारह, उबले हुए आलू खाने से हड्डियां स्वस्थ रहता है और शरीर की सूजन भी नहीं होती है। नंबर बारह, साले रंग वाले कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इसे रंग गोरा होता है। आप कच्चे दूध को रात को अपने चेहरे पर लगा के सो जाए। नंबर तेरह, आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो कच्चे आलू का रस लगाने से काले घेरे ख़त्म हो जाते हैं, आप 10 से 15 मिनट लगा कर रखें। नंबर 14, अधिक पानी पीने से शरीर में गंदगी साफ हो जाती है और गुर्दे की बीमारी नहीं होती है, तो जितना हो सके पानी ज़्यादा पिया करें। नंबर 15, गुलाब की पत्ती चबा लेने से खून की कमी दूर होती है। नंबर 16, बाजरे की रोटी दूध के साथ खाने से खून साफ रहता है। नंबर 17, किशमिश का पानी पीने से थकावट महसूस नहीं होती है। नंबर 18, अगर भूख कम लगती है तो अनार दाने पर काली मिर्च डालकर खाएं, इससे भूख बढ़ती है। नंबर 19, सूखे धनिये की पत्ती चबा लेने से उल्टी आना बंद हो जाती है। नंबर 20, हरे धनिये की पत्ती चबा लेने से भी उल्टी आना तुरंत बंद हो जाती है। नंबर 21, आँखों की रोशनी तेज करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करें, इससे आँखों की रोशनी तेज होती है। आप सौंफ के साथ बादाम और मिश्री भी मिलाकर खाए, इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर 22, खीरा खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है और वज़न में भी कमी आती है। नंबर 23, सुबह उठकर योगा करना चाहिए, इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। नंबर 24, पतले होने के लिए दही, लौकी, करेला और सलाद, शहद का पानी पीना उपयोगी करने के वज़न जल्दी कम होने लगता है। नंबर 25, प्याज का अचार खाने से खून की कमी दूर हो जाती है और खून कभी गाढ़ा भी नहीं होता। नंबर 26, अमरूद खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा जैसे बीमारी होने का खतरा रहता है। नंबर 27, गरम दूध में केसर मिलाकर पीने से छाती का बलगम दूर हो जाता है। नंबर 28, गरम दूध में हल्दी मिलाकर पीने से जुखाम की समस्या नहीं होती है और चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती है। नंबर 29, अदरक वाला पानी पी ले, इससे लीवर मजबूत होता है और शरीर में ताज़ा खून पैदा होता है और शरीर में मोटापा भी कम करता है। नंबर 30, नींबू को खुजली वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है। नंबर 31, चुकंदर का जूस पीने से शरीर ताजगी आती है और खून की कमी नहीं होती है। नंबर 32,
जो औरतें बड़ी इलायची का सेवन करती है उनको कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होती है। नंबर 33, जिन औरतों का पेट दर्द की समस्या है तो एक चुटकी हींग पानी में मिलाकर पीने से आराम मिलता है। नंबर 34, अदरक वाली चाय पीने से पाचन क्रिया मजबूत होता है और सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होती है। नंबर 35, अदरक तुलसी की चाय बनाकर पीने से सर्दी जुकाम कफ जैसी दिक्कत नहीं होती है। सर्दियों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 36, गुर्दे गूंद खाने से शरीर में ताकत आती है और कमज़ोरी दूर हो जाती है और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं, तो आप गूंद को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 37, शरीर की एनर्जी दूर करने के लिए सिकंजी बनाकर पी लें, बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अंदर एक चुटकी आप नमक भी ऐड कर लें। नंबर 38, नमक में सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर लगाने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 39, जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है वह रोज़ाना दोपहर के समय थोड़ा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ ले, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। नंबर 40, सर्दी में गर्म चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि मछली, अंडा, मूंगफली, तिल, सरसों, खजूर और भी कई चीज़ें का इस्तेमाल करें, इससे खून पतला रहता है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। नंबर 41, अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पीने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। नंबर 42, रात को पैरों की मालिश करने से आंखों की बीमारी नहीं होती। नंबर 43, अगर आपको बुखार की वजह से मुंह का टेस्ट ख़राब है तो आप पापड़ को सेक कर खा लें। नंबर 44, जो औरतें काजू का सेवन करती है उनको झुर्रियां नहीं होती। नंबर 45, ज़्यादा चाय पीने से थकान ज़्यादा रहने लगती है। आई हो आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसी टिप्स के और वीडियो के साथ, तो आप हमारे टिप्स को फॉलो करें और कुछ टिप्स ऐसे हैं जो अपने डॉक्टर के अनुसार ही फॉलो करें। तो एक सामान्य जानकारी थी जो मैंने आप तक शेयर की है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर